या आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं और किसी भी अकाउंटेड पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि मैं आपके लिए एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो कि मास्टर डिग्री के बाद दिया जाता है, जिससे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज में, उसका पूरी तैयारी करवाऊंगा। उसमें पूरे 10 सब्जेक्ट होते हैं। वो 10 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ओवरऑल कॉमर्स के आपको बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा और आप किसी भी वो अकाउंटेंट की पोस्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दोगे तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो मैं आपको यूजीसी नेट के लिए क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि यूजीसी नेट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहली बात, मास्टर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। हाँ, जो फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका एमकॉम में 55% होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आप जनरल कैटेगरी के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी में आते हो तो आपके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। हाँ, जिस बंदों ने बीकॉम या एमकॉम कर रखा है वो अकाउंटेड पोस्ट के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो कॉमर्स पूरी पढ़ते हैं बीकॉम और एमकॉम और 11th 12th 12th में, उस पूरे कॉमर्स का जो सार है, जो पूरा सिलेबस है, वो हमें नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें इसके लिए डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं आपको 10 सब्जेक्ट का आराम से धीरे धीरे, पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको समझा दूंगा। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त जिन्होंने एमबीए कर रखा है, एमबीए वाले लोग भी यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं। और कॉमर्स और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जो एमबीए कहे हैं वो मैनेजमेंट से सब्जेक्ट से अपना यूजीसी नेट दे सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सिलेबस इक्वल है, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी पूरा सिलेबस कॉमर्स और मैनेजमेंट का एक जैसा ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आपका दोस्त जितेंद्र चौहान।